झूठ फील हुआ करता था ये, और ये चारों तरफ जंगल है और पेड़ पौधे जंगल से भर गया है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्डिंग बहुत ही अच्छा था, ऐसे सुनसान है। बिल्डिंग को कुछ अच्छा सा अगर कर दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। एक तो यहाँ पे बड़ा सा लॉन है, ओल्ड बिल्डिंग से इसको अगर नया कर दिया जाता तो चारों तरफ वेरियस ऑकेशंस में इसको रेंट भी दिया जा सकता था। है कभी एक समय पे ये जूट मिल हुआ करता था और मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए था और इस प्लेस को एक अच्छा सा इंडस्ट्री बना देना चाहिए था। कितना सन्नाटा जगह है, कुछ कुछ हॉन्टेड प्लेस जैसा लगेगा पर पता नहीं ये कैसा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, मेरे ख्याल से ये सब ब्रिटिश टाइम से बनाया होगा। और ये ब्रिटिश टाइम से बनाया हुआ है और तभी अभी तक ये इतना बिल्डिंग मजबूत है, आप देख सकते हैं। सन्नाटा है, चारों तरफ चुपचाप है और जितने आप देखेंगे इसके अंदर जाके उतना आप देख सकेंगे कि कभी ये एक समय हुआ करता था ब्रिटिश टाइम पे और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये देखिए आप कितने ओल्ड नहीं दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्या हॉन्टेड प्लेस है। रात को हम लोग तो अभी सुबह यहाँ पे पिकनिक है, खुला जगह है तभी ऐसा है, और रात को आएंगे तो यह पूरा हॉन्टेड प्लेस लगेगा। शायद ही कोई यहाँ पे रात को आता होगा।
बहुत ही एक है यहाँ पे, एक कमरा है वहाँ पे हम जा नहीं सीख रहे, यहाँ से जाएंगे शायद दिखा दें कि कितना सुंदर बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर क्या है, ये जो आर्किटेक्चर बना हुआ है कितना, देख सकते हैं आप कितना वो है, कितना ऊपर है, करीबन मेरे ख्याल से छत का हाइट होगा, बिल्डिंग से एक समय में बिल्डिंग हुआ करता था। गवर्नमेंट को इस तरह ध्यान देना चाहिए और इन सब बिल्डिंगों को फिर से कोई इंडस्ट्री बना देना चाहिए। में 1899 में ये था, मिल स्टार्ट हुआ था, मिल चला था, उसके बाद से 2012 को मेरे ख्याल से ये मिल पूरी तरह से you
सीढ़ी दिया है ना, हाँ हाँ, एक ही सीढ़ी दिख रहा है, हाँ, और इसके सामने घर है, वो देखो सामने में घर है, अच्छा, और जो सामने में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हम्म, वो इधर से जाकर सीधा उसमें, और ये कहाँ लिख रहेगा आपको हम दिखा रहे हैं, अच्छा यहाँ से सुरंग है, अंदर जा सकेंगे क्या, सुरंग सुरंग पूरा यहाँ से इधर दिया है, अच्छा ये अंदर रूम है, अच्छा अंदर फिर लाइट फाइट सब कुछ था इसके अंदर, फिर अंदर जाना पड़ता है, अच्छा सुरंग वहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा, जंगल है ना, आपको गेट दिखाया रहा ना वहाँ से, अभी हाँ 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 हाँ, वो अंदर है ना, वो जो दिखाई दे रहा है, अच्छा यहाँ से सुरंग है, यहाँ से, यहाँ पे कोई सुरंग है मेरे ख्याल से, यहाँ से दरवाजा कहीं स्टार्ट होता है, दरवाजा ना, तो यहाँ से ये सुरंग जाके सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ हाँ, वही है, तो ये जाके आपको पूरा अंदर से जाके ये गंगा के उस पार निकलता है, अच्छा उस पार निकलेगा, अमिताभ का यही सब शूटिंग होता है, जितना जो भी आता है इसी का ही होता है, अच्छा यहाँ पे अमिताभ बच्चन और प्रसन्नजीत चटर्जी उधर होता है, अमिताभ बच्चन का अवैध बाल का इसी में होता है, अवैध बाल का इसमें लेटता है बैठता है, अच्छा यहाँ पे हनीपट क्लब के अंदर, ये हनीपट क्लब है, यहाँ पे अमिताभ बच्चन आए थे शूटिंग करने अवैध वाली का, और यहाँ से एक निकलेगा एक अंदर जाएगा, एक अच्छा। गेट से इधर से घुसता है, एक इधर से निकलता है, सुरंग सुरंग का जो गेट है ये, अच्छा यहाँ पे अमिताभ बच्चन मतलब कौन सी मूवी अवैध बालिका में आए थे ना, वो है ना, हाँ इसका बगल वाला में शूटिंग हुआ रहा। अच्छा उस समय क्या पूरा साफ कर दिया था, ऐसे ही था ना, वो जंगल का मना किया था, हाँ। काटने को नहीं, हाँ। एक जंगल का जंगल में ही शूटिंग किया था, वो इसी का बगल में एक और सीढ़ी है ना, हाँ हाँ, वहाँ पे गए, तीसरा नंबर में रिकॉर्ड उसी में था, अच्छा उसी में था, महसूस ना हो, अच्छा मतलब पब्लिक को महसूस ना हो, हाँ नहीं तो पब्लिक भीड़ कर लेंगे, भीड़ कर लेगा देखने के लिए, बाहर में होगा अंदर में कोई परेशानी नहीं, अंदर किसी को अंदर भी किसी का नहीं, प्रशासन विद्या वाला भी आई थी, विद्या वाला आई थी, अच्छा अच्छा, तो कौन सी मूवी है, बंगला मूवी का शूटिंग, तीन तीन पिक्चर, तीन पिक्चर का जो अमिताभ बच्चन के साथ जो हुआ था, यह शूटिंग होते रहता है, अभी एक शूटिंग और बाकी है, साथ आया था देखिए इंदौर से, इंदौर से आए थे, वो क्या बॉलीवुड का ही मूवी था, तो जेटी सीधा सीधा है, सीधा जेटी है, सीधा जेटी है, जेटी बगल में है, तो दोनों रिंग में भी है, सीधा स्टेट में जेटी है, दोनों है, तो दूर से थोड़ा दिखा लेते हैं, जगह दिखा दिखा तो पहाड़ का तो हाँ, तो हम यहाँ पे मोटा मोटी जो है तो ग्राउंड लोग में समय की पहचान उचन तो जा रहा है, तो यहाँ पे जितना शूटिंग का जो सामान लगा था प्लाई फ्लाई सब हम सब लेंगे, अच्छा इसीलिए थोड़ा करीब से, हाँ आपका अगर आवाज़ आया वीडियो में कोई परेशानी नहीं है ना, तो जो जटी जो आपने कहा वो उस तरफ नहीं जा सकते, हम करवा दे रहे हैं, ठीक है तो फिर बेहतर रहेगा, उस तरफ अगर थोड़ा सा जगह है बहुत अच्छा यहाँ पे, लेकिन बहुत कम ही आदमी जानते हैं, मतलब टूट जाने का डर रहता है, पूरा प्लाईवुड बैठाते हैं, अच्छा बच्चन सबको जाने के लिए थोड़ा आगे जाए, चलिए बच्चन सबको जाने के लिए, अच्छा पूरा फुल प्लाईवुड है, अच्छा जो कौन सा मूवी, तीन 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 मूवी का जो शूटिंग होता है, अच्छा अच्छा, तो आपने यहाँ पे पूरा प्लाई बिछाया था उनको चलने के लिए, वैसा नहीं है ना कि इसको चल के चल जाएंगे हम लोग, दोस्तों आप देख सकते हैं ये जगह बहुत ही थोड़ा बहुत खतरनाक है, ये लकड़ी ठीक है ना, टूटेगा नहीं ना, टूटेगा नहीं ना, डर भी लगता है टूट ना जाए, अच्छा बहुत एक्चुअली गिर के शोषण अब पढ़ के शोषण, हाँ ये बात सही है, ये बीच बीच में जो टीना दिया हुआ ये क्या गड्ढा गड्ढा है,
गैप हो गया इसीलिए। अच्छा इसीलिए गड्ढा हो, यहीं पे स्टॉल लगाया था। अच्छा यहाँ पे पिक्चर का, यहीं पे स्टॉल लगा था चाय का, तो स्टॉल तीन पिक्चर का स्टॉल, चाय का स्टॉल यहीं पे लगा हुआ था, यहीं पे लगा था। और ये वो और यहाँ पे मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब यहाँ पे बैठे थे अपने तीन पिक्चर के एक शॉट में बैठे थे। आप देख सकते हैं इसी जगह पे वो चाय पिए थे और यहाँ पे चाय का स्टॉल लगा हुआ था इस जगह पे और यहाँ पे वो चाय पीने बैठे थे। आप देख सकते हैं सुंदर गंगा का नज़ारा है। ये आप लोग तीन पिक्चर अगर देखे होंगे तो उस पिक्चर में आप सबको पता चलेगा कि शॉट कहाँ था, शॉट यहीं था। और ये जो हमारे भाई है इनको मैं दिखा नहीं सकता इसलिए मैं कैमरा थोड़ा ऊपर से ले रहा हूँ। हाँ, इन्होंने कहा कि ड्यूटी आवर्स में इनको मैं इनका चेहरा नहीं दिखा सकता इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ इनके अनुरोध पर। वो तीन पिक्चर का बच्चन साहब का रूम हुआ था। अच्छा वो रूम उनका जो जहाँ पे वो पिकनिक चल रहा है स्पॉट चल रहा है उसको उनका घर बनाया गया। अच्छा, वो रूम उनके घर था। हाँ, घर बनाया गया था पिक्चर में मूवी में। जगह तो बहुत सोना है उसमें देखने से समझ में आएगा। पंखा ऊपर में पंखा जो है उसी को बच्चन साहब रिपेयर कर रहे थे उसका शूट। अच्छा अच्छा उस घर में जो पंखा है वो मतलब शॉट के लिए वो दिखा रहे थे कि वो इस पंखा को रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा और घर में रहते थे पंखा को दिखा रहे थे। अच्छा उस तरफ जा सकते उस तरफ भी नहीं जा सकते वो बहुत खतरनाक है ना। जगह काफी सुनसान है। अच्छा है मेरे ख्याल से जितना ये जगह मतलब आम आदमियों से दूर रहे उतना ही काफी है लेकिन हर कोई आना भी नहीं चाहेगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खतरनाक ये है। ब्रिज थोड़ा सा बना हुआ है टूटा हुआ है इसमें। हाँ जगह तो बहुत मस्त है। आप अपना नाम बता सकेंगे कि वो भी किसका मतलब रिकॉर्ड करें। सुभाष सिंह है। सुभाष सिंह भाई ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे मूवी का शूटिंग भी हुआ है और अवैध बालिका टीन या ऐसे सब मूवी का शूटिंग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिखाने के लिए।